आकाश आनंद की तबीयत ठीक है, वो स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन उनसे कहा गया घर में रहिए, खिड़की दरवाजा बंद रखिए, आपका शो हो गया जितना होना था, अब बहन जी खुद कमान संभाल लेंगी जितना जो कुछ करना है जैसे करना है। मैंने कुछ बताया ना कि आकाश को शायद मैंडेट जितना नहीं दिया गया होगा वो उससे आगे चले गए, क्या थप्पड़ मारो, जमीन में गाड़ दो, गोली मारो बोट पर, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम जाके खड़े होंगे। उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ, उस मुकदमे के बाद पता नहीं कहां किसने किसको टेलीफोन किया और उसके बाद से ये हो गया, भाई खिड़की दरवाजा बंद रखो, क्या पर्दा डालो डबल। ये सच है, इसमें आप कितने भी शब्दों का लेप लगा दो छुपेगा नहीं। लेकिन एक बात कहूं, मैं सतीश भाई के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा, बार बार ये बात सपा भी कहती, कांग्रेस भी कहती है और नावेद जी ने भी कहा और सतीश जी भी कहेंगे कि सरकार डराती है दबाती है। मैं एक बात कहता हूं, जिनको डर लगता है जो दबाव में आ जाते हैं उनको राजनीति छोड़ के तुरंत कोचिंग खोल लेनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने वाली, उसमें मन ना लगे कोई और काम शुरू कर दो, और किसी मन ना लगे भैया कपीर जी तो कनखल चले जाओ, वहां आश्रम में रहो जाके, फिर ये कुर्ता पहन के बाहें मोड़ के भगत सिंह क्यों बनते हो? अगर इतना ही डर लगता है, मैं डराने वाले के खिलाफ कभी नहीं जाता, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा, हर आदमी चाहेगा कि मुझसे लोग डरे, कमजोरी डरने वालों की होती है, डरने वालों की। अंग्रेज भी तो चाहते थे डरे, भारत ने आजादी ली ना, लेकिन वो लोग भगत सिंह नहीं बन सकते सतीश बाबू जिनकी फाइलें इतनी ऊंची हैं, ना ना ना, वहां कोई विचारधारा मदद नहीं करती, वहां एक ही धारा होती है अंदर। खैर सतीश जी, ये सवाल बार बार उठता है कि मायावती जी ऐसा तो है नहीं कि अनुभवी नहीं है, कांशीराम की शिष्या, सबसे बड़ी खूबी उनकी यही है कि उनकी ट्रेनिंग कांशीराम जी ने की और फिर खुद उनका अपना लंबा वक्त राजनीति में भी बीत गया, तो स्वाभाविक जब जहां टिकट फाइनल किया होगा सोच के किया होगा, फिर अचानक से वो टिकट जब बदलती हैं तो उसका जो गणितीय पक्ष है वो ये बताता है कि भाई ये एक खास उम्मीदवार को मुश्किल में डालने और एक खास उम्मीदवार के लिए एक सेफ पैसेज देने की दिशा में जाएगा ये परिवर्तन। सतीश जी, और दूसरा प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं, अचानक से आकाश आनंद, कहा गया था बहन जी अब रिटायर्ड वाली मुद्रा में है, सेवानिवृत्ति वाली मुद्रा में है, थोड़ी बहुत जगह जाएंगी आशीर्वाद दे देंगी, बाकी आकाश ही कैंपेन लीड करेगा, अचानक हुआ कि भाई बोले ना अंदर चलो, जैसे नहीं बच्चा बहुत देर खेलते शैतानी करता मोहल्ले में आती है दो लगाती है चलो अंदर और बंद कर देती कमरे में ले जाके, कहते निकलना नहीं शाम तक। सतीश जी नहीं नहीं देखिए आप बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी। देखिए मैं आपकी डिबेट में एक बात कहना नहीं चाह रहा था, शायद कपीश जी ने उस बात को कहा कि अगर धनंजय सिंह देश के गृह मंत्री के पास मिलने जाते हैं, एक बात उन्होंने राजा भैया का भी नाम लिया, वो बेंगलोर कौन सी जगह है वो तो कपीश जी को ज्यादा पता होगा क्योंकि राजा भैया की नजदीकियां अखिलेश जी से जग जाए रहे, और ये सच है कि भारत की राजनीति में यही बहुजन समाज पार्टी है जिन्होंने अखिलेश जो आपके राजा भैया को बाकायदा जेल में डाला, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यही राजा भैया जेल मंत्री बनते हैं, और यही राजा भैया जब बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूटने से पहले बाकायदा बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जो गठबंधन का कैंडिडेट था उसको राज्यसभा के टाइम में वोट नहीं देते, यही राजा भैया अखिलेश जी से जाकर के मिलते हैं और वोट बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ करते हैं। अगर वास्तव में ऐसा लगता है कपीश जी आपकी राजा भैया से बड़ी नजदीकियां हैं, सारा हमारी नजदीकियां इतनी नहीं है, आप चेंज करा लीजिए, अब तो कुछ बात है ही नहीं ना, अब इसमें बहुजन समाज पार्टी को आप क्यों दोष दे रहे, जब सारी चीजें क्लियर है
कि धनंजय सिंह किससे मिलने जा रहे, धनंजय सिंह किसके ऊपर करना चाह रहे, तो इसमें बहुजन समाज पार्टी क्या करे? जब उनका उम्मीदवार चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता तो एक पार्टी के पास चारा बचता क्या है? दूसरी बात, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी को एड मिलता है, एक तरफ समाजवादी पार्टी को एड मिलता है, तो निश्चित रूप से राजनीति में जब आप टिकट बदलते हैं, देखिए भारत में जाति को छुपाया नहीं जा सकता, तो जातीय आंकड़ों को भी नहीं नकारा जा सकता। निश्चित रूप से अगर आप एक जाति के कैंडिडेट को हटाते हैं तो निश्चित रूप से दूसरी जाति को उसको लाभ मिल जाता है। जहां तक आकाश आनंद जी की बात है, बहन जी की बात है, मोटी मोटी फाइलों की बात है, सीबीआई ईडी की बात है, एक बात आपके चैनल में कह के जा रहा हूं जी, कि अभी भारत में कोई ऐसी जेल नहीं बनी जिसकी दीवारें इतनी मोटी हो कि जो दलितों की आवाज को कैद कर दे। जी ठीक, ये हजारों साल का इतिहास है। और सुनिए, बहन जी ही है, अभी बीजेपी या ऐसी किसी ताकत में नहीं है। रही आकाश आनंद जी की बात, ये सच है कि अभी वो जो राजनीति में वो आए हैं, अभी वो सीखेंगे भी, कहेंगे भी, निश्चित रूप से उन्होंने आक्रामक। जी 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 ठीक, मैं एक मासूम सवाल रख के फिर कपीश भाई के पास जाऊंगा, फिर ऋषा के पास जाऊंगा। बड़ा मासूम सवाल है, उसको उसी मासूमियत के साथ लीजिएगा। दलितों की आवाज़ कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मेरे ख्याल से इसमें मायावती जी को हम लोग रख लेते हैं कि दलितों की आवाज़, ठीक। लेकिन मायावती जी के परिवार में 17-18 लोग तो मैं ही जानता हूं, क्या वो सब तो दलितों की आवाज़ नहीं हो सकते, जिनको कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता? उनके लिए तो दरोगा भी काफी होता कई बार, नहीं भाई, गांधी जी के परिवार में भी सब गांधी जी नहीं थे ना? उनको एक सेकंड रुक जाओ भाई, उनको वो आप ये कहो कि मायावती जी की बहन है मुन्नी, मुन्नी और मुन्नी के हस्बैंड, ये भी दोनों दलितों की आवाज माने जाएंगे देश में, तो कैसे मान लिए जाएंगे? मजाक कर रहे हो क्या? कांशी राम जी मायावती जी, बात समझ में आती है? बाकी किसी ने तो अभी कुछ ऐसे योगदान किया ना कि इनको भी आवाज मान लो? वही तो मैं कह रहा हूं, इशारा समझो महाराज, वही तो मैं इशारा कर रहा था कि 17 लोग और हैं, वो कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? और आपने जो बड़ी बात बोली, कोई माई का लाल हिमालय पैदा नहीं, दिस दैट, इतनी बड़ी बात ना बोला करो, मौसम खराब है। सतीश कपीश बाबू इस बात को, वकील आदमी है, पुराने किस्से याद रखते हैं, गवाही देंगे जिन जिन ने ऐसी धृष्टता की कि कोई माई का लाल नहीं, ऐसा कर दे वैसा कर दे, वो उनको जरूर निपट गए हो क्या? जिन्होंने कहा कि 370 लाख हटा के दिखाओ, खून की नदियां बहा देंगे, क्या वो कोको कोला बहाने लायक भी नहीं रहे? ऐसे में दसियों लोग बता दूं जिन्होंने ये कहा मेरे नेता के खिलाफ कुछ करके दिखाओ, पता लगा उनका नेता गिरफ्तार हो गया। इसलिए सयाने लोग कहते कि भाई चुनौती नहीं दो। अतीक के लड़के मालूम क्या कह रहे सतीश बाबू, कि अखिलेश यादव ने चुनौती गलत दे दी विधानसभा में, तभी अतीक और अशरफ दोनों निपट लिए। कपीश जी बुरा ना मानना, वो ऐसे बोल रहे हैं लड़के, इसलिए ऐसी बात ना बोलो। और एक बात कह के मैं बता दूं, याद दिला दूं, नावेद को भी याद होगा, आकाश आनंद के पिता आनंद के से जुड़े ठिकानों पर ईडी और सरकारी एजेंसियां छापा मार भी चुकी हैं, क्या तब भी भारत हिला नहीं था, हिमालय पलटा नहीं था, गंगा गंगा सागर से गंगोत्री उल्टी चलने नहीं लगी थी जब छापे मारे गए थे? सतीश जी हमने देखी है जन्नत की हकीकत बाबू, जब छापे मारे थे इस नोएडा में सबसे ज्यादा पड़े थे, तो कहीं हंगामा छोड़ो 10 आदमी सड़क पर नहीं उतरा था नोएडा में, नॉट इवन 10 पीपल। और आप कह रहे हो कौन माई का लाल पैदा हुआ? नहीं जी ऐसा मत बोलो, मैंने कहा ना वक्त को समझो, अखिलेश जी समझते इसलिए वो ऐसी बात नहीं बोलते क्या? वो जानते भैया ऐसी बात बोल के कौन जगाए, बवाल हो जाए। खैर कपीर जी, सतीश जी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बीएसपी को डरा ले, क्या? और यही बात सपा कहती है, कांग्रेस राहुल जी कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही बिना डरो मत बोलने के लिए हुआ है, क्या? तो फिर ये ऋचा राजपूत की पार्टी क्या ननकू चाय वाले और गुड्डू पान वाले को डरा रही है? आप सब लोग तो भगत सिंह को बता ही रहे हो कि कौन माई का लाल है जो हमको डरा ले, क्या? तो फिर
और हर आदमी मंच पे ये भी बोल रहा भाजपा वाले डरा रहे हैं हमको, रात में डराते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, हैं डांट धमकाते हैं, ईडी का नोटिस भेज देते हैं, बीपी बढ़ रहा है नहीं। और फिर आप लोग कहते हो हमको नहीं डरा सकता, तो फिर आखिर ये सब जो कार्यक्रम है ये गुड्डू मूंगफली वाले के लिए हो रहा है क्या? किसको डराने के लिए हो रहा है फिर कपीर जी? देखिए अमिताभ जी, बहुत सीधी बात है, जब कोई सत्ता में होता है जी, तो जो सत्ता की हनक होती है उसमें अच्छे अच्छे उतर जाते हैं। ये बहुत सीधी बात है, इसको सबको मान लेना। लेकिन हाँ, विपक्ष में वो जज्बा होना चाहिए कि अगर हमको डरना नहीं है तो हम जेल डालने से भी नहीं डरेंगे, हम अपनी बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एजेंडों को खोलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और इंडिया गठबंधन के विभिन्न दलों ने किया, जिसमें एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मंत्री जेल में बंद। क्या हो गया? जेल में रह के सरकार नहीं चल रही है क्या महाराज? जेल में रह करके क्या नहीं चल रहा ये बता दीजिए। तो ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जेल के अंदर भी सरकारें चलती हैं और ऐसे चलाई जाती हैं बिना डरे। क्या कर ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ईडी और सीबीआई? क्या कर ली? क्या कर ली बताइए, बताइए मुझे क्या करनी। हाँ, लेकिन ये है कि उनके अंदर दम होना चाहिए, अगर ये कहते हैं तो करते हुए दिखना चाहिए। हाँ, अगर आप सीधे कहते हैं कि साहब हमको तो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का सांसद बनाना है, जिताना है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाना है, समाजवादी पार्टी से एक तरफा गठबंधन तोड़ना है, वो भी 0 से 10 होने के बाद, तो जनता के बीच आपका जो एक सामने चेहरा जा रहा है, बुरा मत मानिएगा सतीश भाई, ये सीधा सीधा बताता है कि बसपा का हाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। और हाथ बदलेगा हालात, ये राहुल जी बोली चुके, हाथ बदलेगा हालात, ठीक, हाथ बदलेगा हालात और साइकिल पर बैठ के बदलेगा। एक लाइन आप में और बढ़ा दे रहा हूं, और आने वाले समय में जो हालात भारतीय जनता पार्टी के होंगे जी, एक भी आदमी ठीक उत्तर प्रदेश और भारत के किसी गली में नहीं मिलेगा जी। ठीक कपीश बाबू, ठीक भाई, ठीक है, ठीक अपने मित्रों के पास जाना पड़ेगा, ठीक, मुझे देखो ना किधर बुलंदगी से बोल रहा हूँ। ठीक है कपीश भाई, ठीक है, मैं तो अपने सब मित्रों से कहता हूँ अनावश्यक मत बोलिए, आवश्यक बोलिए। क्या सबको सलाह देता हूँ, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि हीट वेव अभी और बढ़ेगी, नवेद बाबू घोषणा हो गई है हीट वेव और बढ़ेगी, हाहाकारी हो जाएगी जून तक, इसलिए थोड़ा नींबू पानी पी के। और एक बात कहूं, कपीश भाई ने कहा कि जो दो मुख्यमंत्री, मैं दोनों को जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कपीश भाई, उनके घर में पूछो जाके, उनसे उनके आत्मा से पूछो वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या खोया उनने, क्या पहले क्या होता था जब सती प्रथा थी भारत में, तो ढोल नगाड़ा इतना जोर बजता था कि औरत को उठा के चिता फेंक देते थे और कहते थे बोलो सती मैया की जय, औरत की आवाज ही नहीं जाती थी, उससे पूछो जाके तो वो बताए कि उसको क्या बीतती उस पर को मालूम है, क्या उनकी पार्टी में क्या हो रहा है वो भी पता है, और झारखंड वालों की क्या स्थिति है ये भी, अभी वो भी पता है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि समाजवादी पार्टी, बसपा या ऐसे कोई भी जो दल है इस समय के, उनमें इसके शीर्ष नेतृत्व में अधिकांश मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे, शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, जैसे बसपा मतलब मेरे लिए मायावती, सपा मतलब अखिलेश यादव, जिन्होंने जेल नहीं देखी। क्या भाई साहब अच्छे अच्छे पसीना छूट जाता कि चक्कर पड़े हो? क्या ये उस पीढ़ी के नेता है कि हम 10-12 साल तो जेल में रहे हैं कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना, और जेल तो जेल है, नहीं समझ में आया तो लालू जी से पूछ लो कि जेल जेल है कि नहीं, फर्क पड़ा कुछ? इसलिए फर्क ही दिख रहा है, फर्क ही तो दिख रहा है जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये बस्ती में उम्मीदवार बदल जाता है, यही तो फर्क है। ठीक
ठीक, और लालू यादव स्वयं लड़का रहे, उनको देखिए। ठीक ठीक कपीश बाबू, ये ललकारना मंच वाला जो होता है ना, मैं इसके अंदर की आवाज सुनता हूँ, जनता केवल माइक वाली सुनती है। हमको मालूम है कौन किस लिए किसको कितना ललकारने के लिए परमिशन है, कौन क्या बोल रहा है हमको मालूम है। मित्र छोड़ो ना, उस चक्कर में काहे पड़ रहे हो कि नहीं ललकार रहे हैं। अरे कहां ललकारेंगे, क्या केस खत्म हो गए? नहीं ना, अभी तो खत्म नहीं हुए। 9 सीट भाजपा गठबंधन नहीं पाने जा रही है, 9 सीट लिख लीजिए। अच्छी बात।